नमस्कार, एनबीसी न्यूज की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। दिल्ली विधानसभा में सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग और सीएम के केजरीवाल को समन देने का उठा मुद्दा। 500 करोड़ के घोटाले का केस, उद्धव कुट के नेता रविंद्र वायकर के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने शुरू की जांच। शिक्षक भर्ती घोटाला रद्द करने के कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती। अतीक अशरफ मर्डर केस, प्रयागराज पुलिस ने तीनों आरोपियों की कस्टडी मांगी। कोरोना वायरस से देश के 24 घंटे में 27 लोगों की मौत से मचा दहलका, एक्टिव केसों की संख्या 60,000 के पार। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की सुबह हुई पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी को लेटर लिखकर जनगणना जल्द कराने की मांग। दुबई में एक बिल्डिंग में आग लगने से केरल के दंपत्ति सहित 16 लोगों की मौत। नवी मुंबई में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार समारोह में शामिल 11 लोगों की लू लगने से हुई मौत। और एक बार फिर चलेगा दर्शकों पर हैरी पॉटर का जादू। ट्विटर पर रिलीज जारी हुआ टीजर, फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ी है।